अस्सलाम वालेकुम। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मीज किचन। आज हम बनाने जा रहे इडली बैटर से बनने वाला टेस्टी नाश्ता। इडली के आटे में डाला जाने वाला मसाला हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। एक पैन में एक टेबल लीजिए, तेल के गर्म हो जाने के बाद उसमें एक टीस्पून राई डाल दीजिए। राई के अच्छे से भून जाने के बाद उसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल दीजिए और उसके बाद एक कटा हुआ प्याज डालकर उसे अच्छे से एक दो मिनट के लिए भून लीजिए। प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद उसमें एक कटी शिमला मिर्च डालकर उसे भी हम एक दो मिनट भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को नरम होने तक भून लीजिए। उसके नरम होने के बाद उसमें एक उबला हुआ आलू मैश करके डाल दीजिए और उसे भी अच्छे से भून लीजिए। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हाफ टी स्पून पिसी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद उसमें स्वादानुसार नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब गैस की फ्लेम बंद करके उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 कप इडली का आटा ले लिया है और उसमें तैयार किया हुआ मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। उसे अच्छे से आटे में मिक्स करके उसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है। ये ध्यान रहे कि मसाला करते वक्त भी उसमें हमने नमक डाला हुआ है, इसीलिए आटे में अपने स्वादानुसार नमक मिक्स कर दीजिए। अब उसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर दीजिए। इडली का अप्पे बनाने के लिए मैंने अप्पम बर्तन लिया है। ये बर्तन बाज़ार में बड़ी आसानी से मिलता है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर ग्रीस कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून आटा लेकर इसमें डाल दिया। इसी तरह सभी जगह पर मैंने आटा को डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर पका लिया। पाँच मिनट के बाद पकने के बाद मैंने दूसरे साइड से उसको 2 मिनट के लिए पकने दिया। इसी तरह दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसे निकाल दिया। सभी अप्पे को हमने धीमी आंच पर पका लिया। ध्यान रहे, ये डिश बनाते वक्त गैस की फ्लेम स्लो होना चाहिए। कम तेल में बना हुआ इडली के आटे से बनने वाला गर्मा गर्म नाश्ता अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मीज किचन। आज हम बनाने जा रहे इंस्टेंट अंगूर रबड़ी।
रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर लिया हुआ है और आधा लीटर दूध ले लिया है। एक भगोने में दूध भरकर उसे उबाल लीजिए। उबाल आने के बाद उसे अच्छी तरह हिलाकर उसमें केसर ऐड कर दीजिए और उसे कुछ देर के लिए पका लीजिए। अब उसमें इलायची पाउडर मिक्स करके उसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए। कटे हुए बादाम और पिस्ते के टुकड़े डालकर उसे कुछ देर के लिए पका लीजिए। अब उसमें येलो फूड कलर ऐड करके उसे हिला लीजिए और कुछ देर के लिए पका लीजिए। जब दूध पककर अपनी आधी मात्रा से आधा के करीब रह जाए तो उसमें आधा कप चीनी मिलाकर उसे कुछ देर के लिए पकने दीजिए। चीनी को अच्छी तरह घुल जाने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून घी ले लिया है। घी के पिघलने के बाद मैंने उसमें 1/4 कप दूध डालकर उसे अच्छे से पका लिया और दूध पकने के बाद उसमें मैंने आधा कप मिल्क पाउडर मिक्स करके उसे भी अच्छे से पका लिया। दूध पाउडर को अच्छे से पका लेने के बाद मैंने उसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया। उसे मैंने अच्छे से आटे की तरह मल लिया और उसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लिए। इसी तरह सभी बॉल्स मैंने तैयार कर लिए। तैयार किए हुए बॉल्स मैंने रबड़ी में डाल दिए और रबड़ी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। में रखकर ठंडा करने के बाद परोसकर खाइए और खिलाइए। इंस्टेंट अंगूरी रबड़ी खाने में स्वादिष्ट होती है।